तीसरे दिन दूसरी पारी में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। भारत के खाते में 28 रन ही जुड़े कि हनुमा विहारी आउट हो गए। उनकी जगह चेतेश्वर पुजारा ने ली। हालांकि पहली पारी में शतक लगाने वाले पुजारा इस बार खाता भी नहीं खोल पाए। भारत 8 गेंद के अंतराल में 2 विकेट गंवा चुका था, जबकि उसके खाते में एक भी रन नहीं जुड़ा था। इसके बाद क्रीज पर आए कोहली भी बिना खाता खोले आउट हुए। तीनों विकेट पैट कमिंस ने लिए। विराट की जगह अजिंक्य रहाणे भी कुछ खास नहीं कर पाए। उन्होंने एक रन बनाया और पवेलियन की राह पकड़ी। उन्हें भी कमिंस ने आउट किया। भारत का पहला विकेट 13वें ओवर की आखिरी गेंद और चौथा विकेट 7वें ओवर की पहली गेंद पर गिरा था। इस दौरान उनके खाते में सिर्फ 4 रन जुड़े थे। इसके बाद आए रोहित शर्मा, केवल 5 रन बनाकर जॉश हेजलवुड का शिकार हुए। अगर बात करें तीसरे दिन की, तो शुक्रवार को गेंदबाज हावी रहे। मैच के तीसरे दिन कुल 15 विकेट गिरे, जबकि बल्लेबाज 197 रन ही बना पाए। सबसे ज़्यादा 8 विकेट तीसरे सत्र में गिरे, जबकि इस दौरान महज 60 रन ही बने। पहले सत्र में 4 विकेट गिरे थे और 81 रन बने थे, वहीं दूसरे सत्र में 56 रन बने, 3 विकेट गिरे। तीसरे दिन का खेल खत्म होने के समय भारत की दूसरी पारी में 5 विकेट गिर चुके थे, जबकि उसके खाते में केवल 54 रन ही जुड़े थे। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 151 रन पर ऑल आउट हुई, वह फॉल ऑन नहीं बचा पाई। हालांकि भारत ने उसे फॉल ऑन देने की बजाय बल्लेबाजी का फैसला किया। अब आपको बताना चाहेंगे, भारत का स्कोर तीसरे दिन के बाद 5 विकेट के नुकसान पर 54 रन हो चुका है। मयंक अग्रवाल और ऋषभ पंत अभी भी क्रीज पर मौजूद हैं।